डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दादी माँ की बगिया। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारी बगिया में। और देखिए, यह समर की जो सब्जियाँ हैं उनको हम ख़त्म करने जा रहे हैं, क्योंकि विंटर आने वाला है। तो देखिए, भिंडी देखिए बीज की तैयार थी मेरी, कुछ इनको हम पहले निकाले ले रहे हैं और इसके बाद में इस क्यारी को हम खाली करेंगे। तो हम कैसे करते हैं, ये देखिए आप, इस तरह से इसको निकाल लिया सब। देखिए, एक और ये भिंडी बीज की तैयार है, तो इसको हमने तोड़ लिया और अभी धूप में डाल दिया। फिर इसमें राख जो होती लकड़ी की, उसके साथ में बीजे रख देंगे, तो ये हमारे बुने के काम आएंगे। तो ये अभी हम धूप में तोड़ के डाल रहे हैं। इसके बाद में ये पेड़ हम ख़त्म करने जा रहे हैं, और जब हम ख़त्म कर लेंगे इसकी क्यारी को गुड़ाई करेंगे, फिर देखना हम कौन कौन सी इसमें फर्टिलाइजर डालते हैं। आप मेरे वीडियो में बने रहना और फिर देखना जब हम क्यारी तैयार कर ले तो आपको दिखाएंगे। धन्यवाद। और इसके लिए मुझे बहुत खुदाई करनी पड़ेगी, क्योंकि भिंडी के जो प्लांट होता है वो बहुत गहरी जड़ें बना लेता है। इसको निकालना इतना आसान नहीं है, पूरा खुदाई करना पड़ेगा मुझे नीचे तक। और इस खुदाई में मेरी मिट्टी भी पलट जाएगी, इसलिए मैं इसको पूरा जड़ से खोद रहे हैं। इसकी जड़ देखिए आप, बिल्कुल जैसे नहीं प्लांट वो बड़े बड़े पेड़ों की जड़ होती, इस तरह से होती है। तो इस तरह से ये मुझे आज करना था। एक ही निकला है, दूसरा भी निकालने के लिए उतना ही मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। फिर अंदर से इसकी जड़ें भी निकालना है। ये देखिए, ये बिल्कुल वृक्ष जैसे बन गए थे। अब इसकी हम जड़ निकाल रहे हैं, अभी दूसरी सब्जी लगाएंगे। इस तरह से इस क्यारी को, इतनी गंदी थी, घास आस सारा कुछ था, अब ये घास सारी निकालेंगे। फिर इसमें इस तरह से समर की सब्जियों के बाद विंटर की तैयारी करनी पड़ती है, और विंटर की सब्जियों के बाद समर की तैयारी करनी पड़ती है। एक गार्डनर को यही सब ध्यान देने की बातें हैं कि कब समर की सब्जी ख़त्म करनी है और कब विंटर शुरू करनी है, और कब विंटर की सब्जी ख़त्म करनी है
और समर की तैयारी करनी है। और प्रत्येक बार मिट्टी को पलटना है, धूप दिखानी है, फिर जाके इसमें दूसरी सब्जियां अच्छे से होगी। इसको अब हम इस तरह से अच्छे से गुड़ाई करके और इसमें घास निकालनी है। ये देखिए भिंडी के साथ साथ में घास भी बहुत अच्छी से इसमें हो गई थी। सारी मिट्टी को हम इस तरह से पलट देंगे एक बार। और जो भी इसमें जड़े हैं, कोई कचरा है, सारा बीन लेंगे इस तरह से, इसकी गुड़ाई अच्छे से करके। घास की जड़ें भी बहुत लंबी हो जाती हैं, उनको सबको निकालना है, तब जाके इसमें दूसरी सब्जी होगी। तो देखिए गर्मियों की सब्जी जो थी, भिंडी थी, वो मैंने निकाली आपके सामने। और इस तरह से ये पुराना गाय का गोबर इस तरह से हम इसमें डाल रहे हैं। इस तरह से सबने डाल दिया मैंने पूरा, और इस मिट्टी में मिला दिया। इसके बाद में इसको छोड़ देंगे धूप में, क्योंकि अगर इसमें किसी चींटी या किसी कीट पतंगे के लार्वा हों वो भी ख़त्म हो जाए और ये गोबर भी मिट्टी में मिक्स हो जाए। इसके बाद में मैं इसमें टमाटर या गोभी कोई चीज़ लगाएंगे सर्दियों की। तो इस तरह से